दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ये चहकती आवाज इसलिए है क्योंकि मैं रनिंग करके आ रहा हूँ, और रनिंग करके ये देखिए मेरा छोटा सा एक बगीचा है, वहीं पे मैं एक्सरसाइज करता हूँ। रनिंग के बाद जो एक्सरसाइज होते हैं वो एक्सरसाइज मैं यहाँ करता हूँ। एक्चुअली आप लोगों को बता दें कि दिन भर तो हम लोग रूम पे ही रहते हैं, तो रूम पे होने की वजह से कहीं जाना होता नहीं, मार्केट जाना होता है सिर्फ, तो मार्केट की वजह से सिर्फ मार्केट ही जाना होता है। लेकिन हम लोग मार्केट पैदल ही जाते हैं, मैं और अश्विन पैदल ही जाते हैं, तो इसलिए सुबह में ये होता है कि पहले सुबह में थोड़ा सा रनिंग कर लो, क्योंकि खाने को पचाना भी तो है और वेट भी ज़्यादा हो रहा था इस टाइम में कुछ, तो इसलिए मैंने सोचा रनिंग क्यों ना कर लेते हैं। थोड़ी रनिंग कर लेंगे, हेल्थ भी अच्छा रहेगा और जो चेहरे का जो है ना ब्राइटनेस, चमक, वो भी बढ़िया रहता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। पता है रनिंग करने से, एक्सरसाइज करने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। रीज़न ये है, आप लोगों को बता दें, देखिए जब आपकी बॉडी फिट होती है ना, बॉडी फिट होती है तो आपको पता होता है कि मैं कितना फिट हूँ, ठीक है, लेज़ी नहीं हूँ। और अदरवाइज जानते ही हैं, अगर लेज़ी हो जाते हैं तो लोग क्या होता है, थोड़ा सा लगता है यार मोटा हो गया हूँ, पेट निकल गया है, ये सब सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा लगता है यार, ये यार दूसरे की अब कंपेयर में करो अगर, तो लगता है अरे यार मज़ा नहीं है, अपनी बॉडी में मज़ा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बॉडी को फिट रखने के लिए मैं रनिंग करने लगता हूँ, मैं रनिंग करने लगा हूँ बॉडी को फिट करने के लिए। तो फिलहाल ये देखिए छोटा सा बगीचा है, 4-5 पेड़ों का बगीचा है, लेकिन अच्छी जगह है बैठने के लिए, और गर्मी में भी अगर कहें, अभी तो फिलहाल ठंड का मौसम है, और यहाँ पे एक मिनी ट्यूबवेल भी है, और इधर में देखिए बैठने के लिए किस तरीके से पत्थरों से बनाया गया है, तो ये समझ सकते हैं कि गर्मी में ये काफ़ी मस्त आनंद देने लायक जगह होगी, लेकिन गर्मी आने पे पता चलेगा। और ये देख सकते हैं छोटे छोटे पेड़ भी हैं, बड़े पेड़ भी हैं, आम के पेड़ हैं, कटहल के पेड़ हैं। तो दोस्तों फिलहाल मेरी रनिंग हो गई है कम्प्लीट और एक्सरसाइज भी हो गया है कम्प्लीट, तो और स्टैंड वगैरह नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए हम अपनी एक्सरसाइज को दिखा नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों सॉरी। और फिलहाल मैं चलता हूँ रूम पे, सुबह में आज सब लोग थोड़ा लेट में उठे हैं क्योंकि सुधा जी को स्कूल नहीं जाना है आज, ठीक है, तो फिलहाल मैं चलता हूँ रूम पे। और अश्विन देखिए, देख लीजिए इनका सुबह सुबह का जो है एक्सरसाइज यही है, मोबाइल एक्सरसाइज, ठीक है, क्यों, हेलो गुड मॉर्निंग बोलिए, वेरी गुड, चलिए फोन रख दीजिए बेटा, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, उठिए, कमॉन कमॉन कमॉन। और इधर सुधा जी जो है झाड़ू लगा रही हैं, आज है संडे तो साफ सफाई विद संडे। दोस्तों हम लोगों का नहाना धोना हो गया कंप्लीट, और फिलहाल अभी नाश्ता नहीं हुआ है, टाइम हो गया है कितना, 10:30, तो इसलिए आज संडे सब मना रहे हैं, ठीक है, अभी तक नाश्ता भी नहीं मिला है। इधर देखिए सफाई चल रही है, अभी भी सफाई ही चल रही है, ठीक है, संडे है ना, तो पूरा कमरा वगैरह धुला गया है इस घर में, इधर कमरा वगैरह सब धुल दिया है इधर में। आइए देखिए लड़के को, ये लड़का अभी भी, ये तो इनका नाश्ता हो गया, अश्विन का नाश्ता हो गया है, इधर देखिए पूरा जो है धुलाई करती है, जो है किचन भी धुला गया। तो दोस्तों नहाना धोना हो गया है कंप्लीट, और किचन में आ गई हैं सुधा जी, और देखिए भाई आज नाश्ते में संडे है ना, तो बन क्या रहा है, संडे स्पेशल। तो ये इसको देख के तो आप लोग कुछ समझ ही गए होंगे कि क्या बनेगा, फिलहाल काफी लेट हो गया है तो फटाफट बनाना है, डाल दीजिए, एक ज्यादा नहीं,
दो तीन लोगों का कमेंट आया है कि भाई देखिए नौकरी के बाद में मैं क्या हो गया हूँ, नौकर हो गया हूँ। ठीक है, तो यार मेरा कहना ये है आप लोगों से जो ऐसा कमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग दो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं सुधा जी और मान लीजिए मेरा बेटा है, तो अगर मैं इनका इनके साथ में साथ नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा। ठीक है, तो जब हम दो लोग हैं जिस काम में दो लोग साथ में करेंगे वो तो काम आसान होगा ना। मतलब ऐसे ही है, कमेंट कर दिए या तो इसमें देखिए कमेंट में या तो फिर जलनशीलता मत फील होती है भाई, उसकी तो गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, मैं अगर घर पे तो कुछ कर लेता हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि यार मैं नौकर हूँ यार, या फिर मैं मार्केट से झोला, एक दिन एक कमेंट आया जिंदगी भर झोला जो है आप धो। ठीक है, अरे यार ऐसा क्या है जिंदगी भर क्या मतलब कि अपने जो है आम जिंदगी में क्या आप मार्केट नहीं जाते हो, आम जिंदगी में क्या आप सामान नहीं लेके आते हो, सभी लोग लेके आते हैं, मार्केटिंग करने नहीं जाते हो सभी लोग लेके आते हैं। ठीक है, तो अगर जॉब है तो जॉब के साथ में अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें कौन सा मतलब कि जिंदगी भर ढोना हो गया। ठीक है, तो ये सब जरूरत छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ अगर और कुछ पूछना हो जानना हो, देखिए और लोग कुछ अच्छे कमेंट करते हैं तो उनके लिए तो दिल से धन्यवाद, और जो ऐसे भी करते हैं उनके लिए भी धन्यवाद, कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कुछ आर्गुमेंट करने के लिए, ऐसे लोगों का होना जरूरी भी होता है। कमेंट में यही सीख मिलती है कि लोगों को इस तरीके से ये जलन सिर्फ हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। छोले और भटूरे बनेंगे, तो अभी छोला जो है पक रहा है इधर, अभी इधर पक रहा है, ठीक है, और अभी भटूरा बना नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी चलेगी अभी, और ठंड खूब है, धूप नहीं हो रही है। ठीक है, अभी फिलहाल धूप नहीं हो रही है, और आज तो हम लोगों ने खूब ढेर सारे कपड़े भी धुल दिए, और वॉशिंग मशीन हमारी जो है, वॉशिंग मशीन तो सही है लेकिन उसका जो है सुखाने वाला डिब्बा, ठीक है, क्या बोलते हैं पता नहीं, ड्रायर, ठीक है, वो खराब है, उसको हमने बनवाने के लिए कोशिश किया था लेकिन उसका मोटर जो है नहीं लग पाया। सही कर लिए आप बेटू, निकाल लीजिए ना बड़ी वाली, ठीक है।
व्हाट इज क्वेश्चन यार, वो देखो तैयार हो गया हम लोगों का भटूरा। तैयार भटूरा। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों का हो गया नाश्ता रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं छोला भटूरा नाश्ता करने। ठीक है, नाश्ता मतलब खाना खाने। सुबह का टाइम तो है नहीं, बज गया है 11। ठीक है, फिलहाल बहुत फास्ट हुआ है तब जाके हम लोगों का नाश्ता हो गया एकदम से रेडी। तो चलते हैं अब हम लोग फिनिश करते हैं छोले एंड भटूरे। ओके okay।